नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पीएस मोटो हब में। तो आज आपके लिए लेकर आ गए हैं द ऑल न्यू किया सोनेट 2023 और आज है इसका अपने पास एचटी पेट्रोल बेस मॉडल जो आप देख रहे हो। भाई साहब, बेस मॉडल की डिमांड किया सोनेट और सेल्टोस दोनों में रहती है और यहाँ पर आज अपने सामने BS6 फेज 2 के लेटेस्ट वेरियंट है जो आप किया सोनेट में देख रहे हो। सेल्टोस का भी आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसका भी बेस मॉडल उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे भाई बेस मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आ जाता है ना भाई, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील है। हालांकि वेटिंग सोनेट में भी काफ़ी तगड़ी चल रही है और यहाँ पे अगर आप इसका डीजल लेते हो ना तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका IMT वेरियंट, क्योंकि डीजल में मैनुअल फ़िलहाल सोनेट में अभी नहीं आ रहा है। हालांकि लेटेस्ट न्यूज़ आज की डेट में आ चुकी है कि किया सोनेट के सारे वेरियंट्स में आपको इन फ्यूचर डीजल मैनुअल मिलने वाला है, इनफैक्ट सेल्टोस में भी। तो उसके लिए आप ज़रूर भाई वेट कर सकते हो। तो ओवरऑल इस वीडियो में पूरी लेटेस्ट बात करेंगे द ऑल न्यू किया सोनेट के बारे में, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं बेस मॉडल में। और भाई काफ़ी सारे लोग ना बेस मॉडल इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मॉडिफिकेशन का काफ़ी शौक रहता है। तो यहाँ पर बेस मॉडल में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आप फ्रंट में देख सकते हो। आपको गाड़ी काफ़ी सादी सी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अगर इंटीरियर आपको एक बार दिखाएं ना तो यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी नहीं आता है। ये जो अभी जो फ़िलहाल एंड्रॉयड वाला इसमें लगा हुआ है ना, ये एडिशनली लगाया हुआ है एक्सेसरीज पैक के थ्रू। बाकी यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर है और जो फ्रंट की प्रोफाइल है वो भी आपको भाई थोड़ी बहुत सी अलग मिलने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में अभी फ़िलहाल 60,000 रुपये की एक्सेसरीज़ हैं। और चाबियों से अगर शुरुआत करें ना तो ये आप चेक कर रहे हो इसकी किया सोनेट की चाबी जो कि बेस मॉडल में आ जाती। भाई ये चाबियाँ किसी को नहीं पसंद आएंगी, मुझे पता है बिल्कुल। फ्रंट में तो किया का बढ़िया सा लोगो है, क्रोम की अपने को ग्रिल नहीं मिलती है, सिल्वर फिनिश के साथ आ जाती है। बाकी ब्लैक कलर में आपको विदाउट पियानो फिनिश मिलेगा, फ्रंट में डुअल टोन का पूरा फिनिश मिल जाता है। हेलोजन हेडलाइट्स के साथ बल्ब पे बेस्ड इंडिकेटर है। तो ओवरऑल ये है भैया अपनी किया सोनेट 2023 की लेटेस्ट फ्रंट प्रोफाइल। तो यहाँ पे ये सारी की सारी बातें होगी। अगर साइड में चल के आपको इसके व्हील साइज़ की बात करें ना तो यहाँ पे बेस मॉडल में कंपनी केवल R15 देती है। अगर आप इसका HTK वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको R16 मिल जाता है, ब्लैक स्टील व्हील के साथ आपको व्हील कैप्स, फेंडर पे इंडिकेटर। और ORVM की बात करें ना तो ये चीज़ काफ़ी ठीक है, यहाँ पे अपने को पावर एडजस्टेबल ORVM दे दिया गया है। जैसा आप चेक कर सकते हो भाई, बेस मॉडल में कंपनी ने ये चीज़ तो अच्छी ही दे दी है फिलहाल। और 1.2 लीटर का इंजन है जो कि 4 सिलेंडर के साथ आपको 81.8 BHP की पावर दे देता है 115 Nm के टॉर्क के साथ। बाकी जो बैक की लुक है ना वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टेल लैंप्स आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। ये जो क्रोम के आप एलिमेंट्स देख रहे हो ये भी 60,000 रुपये की एक्सेसरीज के पैक में लगे हुए हैं। अभी आपको फाइनल प्राइसिंग भी बता देते हैं। और यहाँ पे अगर इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल में देखें तो आपको नीचे बम्पर की तरफ डुअल टोन का फिनिश भी मिल जाएगा सिल्वर के साथ। और बूट स्पेस अगर आप खोल के देखोगे तो किया सोनेट का बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और इंटीरियर दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने में, गाड़ी में टच स्क्रीन वगैरह भी लगी हुई है, इसको भी हम आपको भी ज़रूर अंदर से एक्चुअल में ज़रूर दिखाते हैं भाई। और अगर प्राइसिंग वगैरह की बात करें ना इस गाड़ी की, तो केवल और केवल 7,79,000 एक शोरूम है जो कि आपको ऑन रोड पड़ जाती है विदाउट एक्सेसरीज पैक के साथ 8,80,000 की। चलते हैं किया सोनेट के HTE बेस मॉडल के इंटीरियर्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है कुछ ऐसा है, डिजिटल स्पीडोमीटर जो आप चेक कर रहे हो। हजार्ड को ऑफ करते हैं, लाइट्स को भी ऑफ कर लेते हैं और आते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हो ना, ये एंड्रॉयड टच स्क्रीन है जो कि HTE बेस मॉडल में एक्सेसरीज के तौर पर लगाया गया है, क्योंकि ये चीज़ आपको कंपनी में जो कंपनी वाला टच स्क्रीन है वो चीज़ नहीं मिलती यहाँ पे, एडिशनली लगाया हुआ है। प्लस यहाँ पे मैनुअल एसी है जैसा भी आप चेक कर सकते हो मस्त। और आपको यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, एसी वेंट्स कुछ ऐसे डिज़ाइन की है। स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल्स केवल MID सेट करने के लिए देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी में TPMS भी आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइट्स, डोर, फ्यूल इकोनॉमी, सारी चीज़ें। और यहाँ पे अपना टैकोमीटर, स्पीडोमीटर है डिजिटल, फ्यूल लेवल है, इंजन टेम्परेचर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ्रेम भी काफ़ी बढ़िया लगा रखा है, ये एडिशनली लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है अपना IRVM
वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट साइड में अपने को दो पावर विंडोज मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्पेस की बात करें तो बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर है, और यहाँ पे प्रॉपर आपको प्लास्टिक वाला फिनिश मिलेगा, बट यहाँ पे मेटल डिज़ाइन है। ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम दे रखी है कंपनी ने बेस मॉडल में भी। एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट मिल जाता है, बट टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपना क्रोम की डिज़ाइन है, टाइप सी सॉरी यूएसबी का पोर्ट है, पावर आउटपुट चार्जर है, 5-speed गियरबॉक्स आ जाता है। रिवर्स में अपने को कैमरा इसमें अलग से लगवाना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल एक्सेसरीज़ में नहीं लगा है। 60,000 रुपये की एक्सेसरीज़ है यहाँ पे, आपको उधर से भी दिखा देते हैं अभी। और यहाँ पे आर्मरेस्ट, हेडरेस्ट की बात करें तो एक दो पीछे आपको ट्रिपल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सिंगल रूफ लाइट यहाँ मिल जाएगी, बट यहाँ पे खाली खाली सा है, ग्लास होल्डर बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के बेस मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यू फॉर मनी ही लग रहा है। और अगर पीछे की बात करें ना, पीछे की सीट्स इस गाड़ी की, आपको रियर एसी वेंट दिए गए हैं बेस मॉडल में। यहाँ पे अपने को पावर विंडो नहीं है, तो बस इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है भाई साहब, वरना गाड़ी बहुत मस्त है। बेस मॉडल भी लेने वाला है इसका। और कुछ ऐसा है इंटीरियर दोस्तों, यहाँ पे अपना हैंडल है। हेडरेस्ट की बात करें तो ये हेडरेस्ट काफ़ी काम का है, 3-pointer सीट बेल्ट आ जाती है तो। और यहाँ पे भी एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, स्पेस है यहाँ पे, रियर सी वेंट्स भी है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे। और डोर पे भी स्पेस देखोगे ना आप, बॉटल होल्डर आराम से आपको मिल जाता है। बाकी बूट तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। और ये है कुछ पीछे वाली सीट्स, बैठने में कोई कमी नहीं, स्पेस काफ़ी ठीक है, 3 जने आराम से बैठ सकते हो। बाकी एक्सेसरीज़ की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, कुछ ऐसी मिल जाती हैं आपको। तो ये था अपना किया सोनेट HTE बेस मॉडल का बढ़िया सा वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टाटा।